शुरुआत में ही काफी जद्दोजहद देखने को मिलती है, तेजी के साथ ही इनको लेकर आगे की बढ़ने की कोशिश करते हुए। आज के टाइम में अगर घुटनों में तकलीफ होती है तो लोगों को लगता है कि उनका करियर खत्म हो गया, वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। बट बिहार में मेडिवर्सल हॉस्पिटल है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पर आप अपने घुटनों का इलाज करवा सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर, इनसे हम बात करते हैं ये कैसे पॉसिबल है। अभी यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है, एक छोटा सा फुटबॉल मैच कह सकते हैं, जिनका ये इन्होंने ऑपरेशन किया और जो घुटनों में तकलीफ थी उसको ठीक किया और ये चीज़ दिखाने के लिए कि फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं उन्होंने यहाँ पे मैच रखा। चलिए हम इनसे जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। सर, आज के टाइम में जिनको घुटनों में तकलीफ रहती है उनको लगता है कि नहीं मेरा करियर अब खत्म हो गया, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? जी, आपने सही बताया कि लोगों को लगता है कि अगर हम मेरे घुटने का लिगामेंट टूट गया, जिसको कॉमन भाषा में लोग यहाँ नस बोलते हैं, तो टूटने के बाद पैर में लचक होता है, वो पूरे परफॉर्मेंस के साथ नहीं खेल सकते। तो लोगों में ये मिथ है कि खेलने के बाद, टूटने के बाद अब हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा से नहीं खेल पाएंगे। उसी का एक छोटा सा नमूना हम यहाँ पेश कर रहे हैं। यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं सबका घुटने का ACL, किन्हीं का ACL और उसके अलावा दूसरा लिगामेंट भी टूटा हुआ है, जिसका हमने आर्थोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया है और ये दोबारा से एक साल के बाद ये फुल परफॉर्मेंस के साथ खेल सकते हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये यूजुअली इसका हमने ट्रेनिंग अमेरिका, जो वर्ल्ड का नंबर वन सेंटर है पिट्सबर्ग, जो ACL सर्जरी के लिए फेमस है, वहाँ से हमने इसकी ट्रेनिंग ली है, प्लस जर्मनी, साउथ कोरिया। तो इसका एनाटोमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन जो आर्थोस्कोपिक विधि से होता है, कि दूरबीन होता है, हम डाल देते हैं कम चीरा लगा के, जहाँ पे पुराना ACL लगा रहता है वहीं हम इसको लगाते हैं। तो इसी विधि से हम इनका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद जो इसका प्रोटोकॉल है, रिहैब कब क्या कैसे करना है, ये सब करने के बाद 9 मंथ के बाद पेशेंट फुल फॉर्म में दोबारा से 100% एफिशिएंसी के साथ खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है वो 100% ठीक हो जाते हैं। जी, ACL सर्जरी का जो मिथ है कि नहीं अगर हमारा टूट गया तो हम अब नहीं खेल पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका ACL टूट गया है आप हमारे पास आइए, 100% हम आपको इसका परफॉर्मेंस देंगे ऑपरेशन के बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ के जो जो मरीज थे जो फुटबॉल अब खेलना शुरू करी उनसे हम बात करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ और कैसे उनके बीच में कॉन्फिडेंस आया। सर, कैसे ये पॉसिबल हुआ गेम खेलना? सर का है, डॉक्टर गुरुदेव कुमार का देन है जो आज मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या आपको तकलीफ था? ACL कंप्लीट टियर था और PCL मतलब टूटा था, तो उसका मेरा सर्जरी सर ने किया था, आज मैं बिल्कुल पुनः खेलने के लिए तैयार हूँ। जब आपको ऑपरेशन नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुआ, तो आपको लगता था कि अब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते? हाँ, वैसा लगता था, लेकिन जब सर से मिला तो उनकी बातों सुन करके लगा कि नहीं, मैं दोबारा खेल सकता हूँ। ऑपरेशन करने से पहले ही उनकी बातों पर मेरी पूरी भरोसा हो गई थी। चलिए सर, कैसा लग रहा है, अब आप खेल सकते हैं? जी, अभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि सोच भी नहीं रहे थे कि हम चल भी पाएंगे, बट आज यहाँ दौड़ रहे हैं। 1.5 साल मेरा ऑपरेशन का हो गया है, पूरा मेरा जो पटेला था, ये घुटना था, ये 13 खुंडी में विभक्त था, उसके बाद लिगामेंट क्रैक था, बैक पेन क्रैक था, पूरी क्रैक था कि हम लग नहीं रहा था कि हम चल पाएंगे, मगर आज यहाँ हम दौड़ रहे हैं। तो पहले जो लगता है कि मतलब आपको जब ऑपरेशन हो रहा था उससे पहले आपको लगा था कि आप कहीं खेल सकते थे या कुछ कर सकते? 1% भी नहीं उम्मीद था कि अब ऐसा हो पाएंगे कभी, फिर कि चल भी पाएंगे। फुटबॉल आप खेल सकते हैं ना? जी, रुकिए, फुटबॉल देखें, फुटबॉल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, ये फुटबॉल खेलेंगे, इनके पैर में प्रॉब्लम था, घुटनों में प्रॉब्लम था, हम देखते हैं। कीजिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये खेल सकते हैं, इनके पैर में आपको पेन नहीं हो रहा है अभी? नहीं, हल्का पेन हो रहा है, हल्का पेन होगा, मगर धीरे 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 दौड़ते 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 इसमें टाइम। ऑपरेशन करवाया लगभग 2021 में अक्टूबर महीने में मेरा ऑपरेशन हुआ था, 1.5 साल लगभग हो गया ऑपरेशन का। तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल है? जी, बहुत सक्सेसफुल है। अंदर हिम्मत होना चाहिए, अंदर यदि हिम्मत होगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लोगों के मन में है कि नहीं पैर में घुटनों में तकलीफ है तो हम आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत होगा? गलत होगा, ये एकदम सोचना गलत है, क्योंकि मैं खुद ही एक्चुअली मेरा जो मैं खेल रहा था फुटबॉल, एक्चुअली क्रिकेट खेल रहा था, तो अपने कॉलेज डेज में, तो मेरा पैर लॉक हो गया 2014 या 2015 के आसपास में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 6-7 साल मैं ऐसे ही छोड़ दिया था, और टूटने के बाद
टूटने के बाद भी मैं गेम्स वगैरह खेलते रहता था, मुझे पता बीच बीच में थोड़ा सा फिर झटके लगते थे, फिर भी मैं खेलता, मुझे नहीं मालूम था कि लिगामेंट मेरा ACL क्रैक टियर हो चुका है। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं जस्ट पिछले साल 2021 में मैं जिम में था तो हेवी वेट मार रहा था, एक्चुअली मेरा वेट भी बढ़ा हुआ था, तो अचानक मेरा पैर में क्रैक्स हुआ, दर्द हुआ, तो मैं फिर सर के पास दिखाया तो बोला कि तुम्हारा लिगामेंट कब टियर हुआ, तो हम बोले सर 6 साल पहले आई थिंक हुआ है, तो तुम्हारा जो कहीं ना कहीं ठीक हो गया, कहीं ना कहीं मेरा लिगामेंट ही नहीं था, वो जो टियर होने के बाद थोड़ा सा जो बचा भी रहता है वो भी नहीं था, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मिथ होगा कि लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक होगा, लेकिन बट ये एकदम सक्सेसफुल रह गया। जी, तो सुना आपने यहाँ के जो पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने खुद बोला है कि पहले भी लगता था, पहले मुझे लगता जब तक ऑपरेशन नहीं हो तब तक लगता था कि नहीं मेरा पैर ठीक नहीं होता, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ, बट मेडिवर्सल होने के कारण, मेडिवर्सल हॉस्पिटल होने के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि अब वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अब करियर में आगे बढ़ सकते हैं। काजल सर्वेस, कशिश न्यूज़, पटना।